लेकर के बहुत सारी ऐसी नौकरियां जिनको भारतीय जनता पार्टी ने जानबूझ करके उलझाने का काम किया, और उलझाने का इसलिए काम किया कि हमारे नौजवानों को नौकरी न मिल जाए। इसीलिए आपने देखा होगा समय समय पर इन्हें परीक्षा रद्द करनी पड़ी। न केवल परीक्षा रद्द हुई है बल्कि ये सरकार ऐसी है कि कई बार इनका क्वेश्चन पेपर भी लीक हो गया, जिसकी वजह से परीक्षाएं नहीं हो पाई। इसलिए उस व्यवस्था को ठीक कर करके और जितनी भी सरकारी नौकरियां खाली हैं, अभी अनुमान से लगभग 11 लाख नौकरियां खाली हैं, 11 लाख नौजवानों को देने का काम करेंगे, जिससे कम से कम उनका भविष्य बेहतर हो, आगे बढ़ सकें। न केवल नौकरी बल्कि हमारे सरकारी कर्मचारी जानते होंगे कि बहुत दिनों से इनकी मांग थी कि पुरानी पेंशन बहाल हो। इस सरकार ने बहाल नहीं किया उनकी पेंशन को। समाजवादी पार्टी ने तय कर लिया है कि सरकार बनेगी तो पुरानी पेंशन को बहाल कर करके अपने कर्मचारियों को सुविधा देने का काम करेंगे। हाथरस और आसपास में जितने भी छोटे मोटे कारोबार हैं, चाहे दाल के प्लांट हों, चाहे गारमेंट्स के हों, और हींग तो ऐसी फेमस है कि अभी हमारे बंबई के मित्र ने बताया कि हींग वो हाथरस की और कासगंज ही ले रहे पिछले जाने कितने वर्षों से।